हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो कितनी अच्छी लग रही है, एकदम हवा आ रहा है। तो आज बेटी का बर्थडे है तो सुबह से ही सारा कुछ करना है, खाना बनाना है, बहुत तैयारियां करनी है। तो इसलिए मॉर्निंग में, ऐसे भी मैं 5 बजे उठ ही जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, काफी हैप्पी फील हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये दिन शेयर करूं कि मैंने क्या क्या किया आज के दिन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग, और मेरी बेटी को हैप्पी बर्थडे विश करना ना भूलिएगा, जरूर से विश कीजिएगा। तो गाइस देखिए कितनी मॉर्निंग है, और मॉर्निंग में कितना अच्छा हर जगह फील हो रहा है। और मेरा जो डॉग है वो उसकी स्टार्ट हो गई है, तो कितना अच्छा लग रहा है। देखिए हर जगह मीन्स एकदम इतना शांति लग रहा है। और हस्बैंड मेरे गेट खोलने के लिए गए हैं, और मेरा जो डॉग है उसका टाइम है घूमने का, इसलिए वो भौंक रहा है, चलो मुझे ले चलो घूमने के लिए। तो चलिए, और देखिए कितना नेचर ना कितना अच्छा लग रहा है। तो गांव में इतना बहुत मामले में मुश्किल है, तो बहुत मामले में अच्छा है कि आप काफी नेचर के करीब होते हो, काफी आपको अच्छी यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाती है, आपको हवा काफी फ्रेश एयर मिलता है, फ्रेश हवा मिलता है। तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ये चिल्ला रहा है, इसकी ना यही हैबिट है, हमेशा मेरे को देखता नहीं है कि बस ये स्टार्ट हो जाता है और मेरी आवाज उसे जा रही है नीचे, क्योंकि मैं बालकनी में हूँ और यहाँ से वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए नेचर एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी शांति लग रही है, कितनी शांति लग रही है ये देखिए। और इतनी बारिश जो हुई है ना, तो सब जगह आपको पानी पानी भी दिखेगा। और फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे आई अपने बालकनी में जब वीडियो शूट कर रही थी, तो मेरा अचानक ध्यान गया, तो ये देखिए मेरा इतना खूबसूरत ये मनी प्लांट था। मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया था, आप लोगों ने देखा था, और एक बार देखना मेरा। और देखो मेरा पूरा नीचे से पूरा जड़ चूहे ने काट दिया, एक चूहा पता नहीं इतना बड़ा सा चूहा, वो जो खेत वाला होता है ना, जो वो वाला चूहा कहाँ से आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह मीन्स खेत है, तो उसके ही वजह से कहाँ से आ रहा पता नहीं। और ये देखिए एक सॉन्ग ऑफ इंडिया का ये प्लांट था, इसको भी मैं तैयार कर रही थी सोयल में लगा के, इसके ऊपर वाला ही पोर्शन काट दिया। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, कितने प्यार से मैंने प्लांट की तैयारी कर रही हूँ और ये देखो क्या कर रहा है, वो खेत वाला चूहा है ना, काफी परेशान कर रहा है। तो चलिए कोई नहीं, आज मूड खराब नहीं करना है। तो फ्रेंड्स मैंने मॉर्निंग का काढ़ा वगैरह पी लिया, और बेटी चली गई मंदिर पूजा करने के लिए अपने पापा के साथ। मैं नहीं गई क्योंकि उन दोनों को भेज दिया, घर में मेड नहीं है तो सारा काम खुद करना था, बर्थडे की सारी प्रिपरेशन करनी थी, और मंदिर में ज़्यादा लोगों को जाने भी नहीं देते हैं। तो ये मेरे कॉलोनी का ही मंदिर है, तो यहाँ जाना सेफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप एक एक करके जा सकते हो, और बहुत कम लोगों को ही अंदर जाने के लिए दिया जाता है। तो बेटी चली गई पूजा करने के लिए, और मैं घर का सारा काम तब तक निपटा लूँगी, नहा वहा के मैं भी पूजा वगैरह सब कर लूँगी जब तक बेटी आएगी घर पे। और मुझे काफ़ी खुशी लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी कितनी अच्छे तरीके से मन्नत पूजा कर रही है, अगरबत्ती जलाना, उसने 5 अगरबत्ती जलाई है, फूल वगैरह कितनी अच्छी तरह से चढ़ाया। तो ये सब देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है कि बच्चे आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आपकी अच्छी अपब्रिंगिंग जो होती है ना, वो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और अपने भाई को लेके वो बेल बजाने का भी ट्राई कर रही है कि घंटा उससे बज जाए, बट उससे नहीं हुआ, तो उसने अकेले ही बजा दिया, और अपने पापा को बोल रही कि पापा इसे घंटा बजवा दो। तो ये सब काफ़ी अच्छा लगता है कि आपके बच्चे कितने अच्छे सीख रहे हैं, जैसे हम अपने बचपन में करते थे, तो आज कंप्यूटर आ गया, हमारे भी टाइम था बट इतना स्मार्टफोन वगैरह नहीं था, बट आज स्मार्टफोन वगैरह आ गया, फिर भी बच्चे धरती से जुड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं एक ड्रीम कैचर बना रही थी बेटी के लिए, तो जैसे इसे बना लूँगी तो अपडेट ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर आई थी, मेरी कज़न सिस्टर, तो वो वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, नहीं तो मैं
आपको दिखाती उस वीडियो में कितने इमोशंस थे, देखिए मेरे बच्चों की तो पिक में तो दिख ही रही होगी बट वो वीडियो में इतने अच्छे इमोशंस थे, पर कैसे डिलीट हो गई। और यहाँ पर मैंने केक बनाया, होममेड केक, क्योंकि मैं केक अच्छा बना लेती हूँ तो मुझे लगा कि बेटी के लिए मुझे एक केक घर में बनाना ही चाहिए, तो मैंने वही केक घर में बनाया। और मार्केट से तो आ ही रही है, और इधर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बलून फुलाना, हैप्पी बर्थडे का वो सब लगाना, और मैं अंदर किचन में खाना बना रही हूँ और इन लोगों को भी गाइड कर रही हूँ कि ऐसे करो वैसे करो। और मेरे सिस्टर भी आ गई थी तो ये लोग सब मिल के काफ़ी कुछ कर रहे थे, और मैं किचन में लग गई थी। और यहाँ मैंने बनाया है पनीर लबाबदार, और इधर मैंने पुलाव चढ़ा दिया था, ऑलमोस्ट मेरा पनीर लबाबदार हो ही गया था। और इधर मैं आटा वगैरह सब गूंथ लूँगी और सब रख लूँगी ताकि मैं आराम से तैयार हो के अपने बच्चे का अच्छे से केक कट हो, वो सब सेलिब्रेशन अच्छी तरह से कर सकूँ। ये नहीं कि मैं किचन में ही लगी रहूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा सिंपल सा डेकोरेशन था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था तामझाम, बस सिंपल सा डेकोरेशन किया था, जैसा अभी माहौल चल रहा उस अकॉर्डिंग मैंने एकदम सिंपल रखा था अपना डेकोरेशन। और यहाँ पे आदि और मन्नत है, और वो जो बच्चा दिख रहा है आपको वो मेरी फ्रेंड का बेटा है, मेरे से काफ़ी अटैच्ड है और वो भी बर्थडे में आया है। तो यहाँ पे हम सब ने सोचा कि चलो तब तक थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह शूट कर लेते हैं, वीडियो वगैरह बना लेते हैं जब तक मेरे मम्मी पापा आएंगे, यानी कि मन्नत के नाना नानी मामा मामी। तो मैं और हस्बैंड हम लोग सब कोई एक साथ फ़ोटो पिक सब हम लोग करवा रहे थे अच्छी तरह से। और मेरे हस्बैंड बस वो ऐसे ही, उनका कोई वैसा कुछ रिएक्शन नहीं होता है। और इधर केक आ गया था, मम्मी केक लेकर आ गई थी उधर से, और केक को हम बड़ी कार्टून से मशक्क़त से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने मेरा रास्ता देखा है और मेरा घर भी देखा है कि गांव में घर है, और गांव में घर ऐसा नहीं होता है कि अच्छा नहीं होता है, बट हमारा रोड बहुत ख़राब है गांव वाला, तो बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल से केक हमारे घर तक पहुंची थी, और ऊपर से ये दोनों बच्चे जो छोटे छोटे थे ना, वो ऐसे बार बार कर रहे थे कि कहीं केक ना टूट जाए, और अगर केक टूटता तो हम दूसरा ला भी नहीं सकते, और फिर बेटी का मूड अलग ही ऑफ हो जाता। तो बड़ी सावधानी से हमने केक वगैरह सब अच्छे से किया, सबको अरेंज किया, सबको रख दिया। मम्मी पापा मम्मी पापा आ गए हैं, मन्नत के मामा मामी आ गए, हम लोग सबको ही आ गए हैं, किसी और को बुलाया नहीं था, क्योंकि एक तो करोना, ऊपर से ये बारिश, और हमारा रोड तो पता ही है कि क्या है। तो उन सब के कारण बस हम लोग घर में जितने लोग थे उतने ही इकट्ठे हुए, और हमने केक का कटिंग कर लिया, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, बट बस हम लोग ने जो नज़दीक में थे उसी को बुलाया, और ज़्यादा दूर वाले किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही हमारा गंदा रास्ता है, बहुत ही हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, बट थोड़ा सा औरों के लिए क्यों मुश्किल करें। तो चलिए, हमारा फ़ोटो शूट वगैरह सब चीज़ हो गया, अब हम केक कट कर लेते हैं। और यहाँ पे अब जो हमारे यहाँ जो टीका वगैरह लगते हैं वो सब हो रहा है, और बेटे को मेरे पापा ने लगा दिया, तो थोड़ा सा वो उसको मिटा रहा है, हटा रहा है, थोड़ी सी बदमाशी करता है, तो इन सबको पैसे दिया जा रहा है। तो बेटा मेरा देख रहा था अपने नाना को, तो वो पैसा उसे भी मिल गया, उसे पता है कि वो दीदी का है, तो दीदी को दे देगा वो बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा उसे अच्छा लग रहा है तो उसे ही मिल गया। और यहाँ पे हम सब ने टीका लगा दिया, धीरे धीरे करके एक एक करके सब हम टीका लगा रहे हैं, उसके पापा टीका लगा रहे हैं यहाँ पे उसे। यहाँ पे मेरी बहन भी आ गई है, और मेरी बहन भी अब टीका लगा रही है,
तो ये देखिए, और बच्चे अपनी मासी को देख के काफ़ी हैप्पी है, काफ़ी खुश है, और मैं रह गई थी और तो सोचा कि मैं भी लगा लूँ, और ये मेरा भाई है ये लगा लेगा, उसके बाद मैं लगा लूँगी। तो सभी ने अच्छे से टीका वगैरह लगा लिया, अब हम केक कट कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सबको गेट टुगेदर हुआ है ऐसे इस कोरोना के माहौल में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे थे सब एक दूसरे के करीब हैं, और सबका एक दूसरे से मिलना जुलना हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई दूर से आया है, कोई बाहर से आया है, कोई नहीं, सब हम लोग इकट्ठे एक ही जगह पे Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Manna. Happy birthday to you. खिला मन। और मेरा बेटा केक नहीं खाया, वो भाग गया, क्योंकि वो ये जो होता है ना पटाखा जो छोड़ते हैं सो कुछ बम्पर होते हैं, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसे याद था कि मुझे ये वाला इसको करना है, तो इसलिए वो दौड़ के चला गया वो लाने के लिए। और वो देखिए कैसे उसे चुन रहा है, वो काफ़ी एक्साइटेड था इसको लेके कि आखिर क्या, तो केक खा दे इसलिए वो भाग गया। और यहाँ पे हम सब केक खा रहे थे, और हमारी ढेर सारी मस्तियाँ चल रही थी, फोटो सेशन चल रहा था, और ढेर सारी हम लोग मस्ती यहाँ पे कर रहे थे। गेट टुगेदर होने से एक अलग ही मजा होता है, वो भी फैमिली के साथ, अलग ही हमारा मजा चल रहा था, अलग ही लेवल का मजा चल रहा था हमारा। पिया कुछ नहीं, और सीधा गिफ्ट लेके वो बेडरूम में आ गए, और यहाँ पे वो देख रहे हैं कि उसे क्या गिफ्ट मिला। तीनों बच्चे इतने एक्साइटेड थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डिनर में पूड़ी सब्जी खीर वगैरह बनाई थी, तो इसमें मैंने छोले बनाए हैं, और इधर मैंने पनीर लबाबदार बनाया था। तो सभी खाने को मैं नीचे रख ली थी, क्योंकि मेरा किचन काफ़ी छोटा है, और इधर मैंने खीर बनाया है, तो नीचे में से सबको खाना देने में ज़्यादा इजी होगा। और मैंने पत्तल वगैरह कुछ भी नहीं मंगाया था, और इधर मैंने कुकर में पुलाव बना लिया है, और इधर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है पूड़ी खाने के लिए। तो इधर देखिए पूड़ियाँ हैं, और इधर छोले है, उधर पुलाव है, उधर खीर है, और इधर पनीर लबाबदार है। तो ये आज का डिनर था हमारा, और अब हम सब लोग डिनर कर लेंगे। हेलो फ्रेंड, रात के 11 बज चुके हैं, और मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, ना फेस वॉश किया ना कुछ किया, सोचा कि वीडियो को एंड करूँ तो आप लोगों से थोड़ा सा मिल लूँ। तो मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है, और सभी कोई घर जा चुके हैं, और मैं बहुत थक चुकी हूँ, और घर की हालत तो आपको पता ही है कि क्या हो जाती है। तो मेरा वीडियो किसी भी रीजन से आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी डॉटर को एक बार हैप्पी बर्थडे विश करना नहीं भूलिएगा। चलिए, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।